हाय फ्रेंड्स, आज हम गैस्ट्रॉन GR 3000 डिटेक्टर गैस डिटेक्टर देखने वाले हैं। अभी हमने गैस डिटेक्टर ऑन किया है, अभी ये टाइमर शुरू है गैस्ट्रॉन का। अब ये एज बर्निंग टाइम करके है, 3 मिनट्स का रहता है, अभी 90 सेकंड्स उसका बैलेंस है। ये डिटेक्टर में हमें SC गैस डिटेक्टर, हाइड्रोकार्बन गैस, जितने हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट में जितने गैस आते हैं वो ये डिटेक्टर में कवर हो जाते हैं। अभी ये बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर है, उधर आप देख रहे हो मेजरिंग गैस SC डिटेक्टर। कौन सा भी डिटेक्टर इसमें, मतलब मीथेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, ये सब गैसेस इसमें सेंस करेंगे। अभी इसका मॉडल नंबर है GR 3000 और ये गैस्ट्रॉन कंपनी का है। ये बेसिकली गैस्ट्रॉन कंपनी ही कोरियन मेडेड है। और इसका ये सेंसर है, देखो गाइस, इसका ये सेंसर है। ये डिटेक्टर जो है वो IR सेंसर है और ये अभी बर्निंग टाइम, और ये डिटेक्टर जो IR सेंसर है, IR आपको मैं बीम दिखा सकता हूँ, ये एक हेड है, ठीक है। ये फिल्टर है इसका, जो डस्ट वगैरह से आउटसाइड जो डस्ट है वो इसको अंदर जा न सके, क्योंकि IR सेंसर है। डस्ट गया तो एज अ सेंस, कुछ सेंस का सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए फिल्टर अभी चालू हो गया है। मैं अभी इस डिटेक्टर को ऑपरेटिंग दिखाऊंगा। ये डिटेक्टर अभी देखो, अभी SC गैस डिटेक्टर है, ये जीरो है अभी। ये 4 mA आपको आउटपुट देगा। ये जो ऑपरेटिंग है, आपके PLC ऑपरेटर पर ये डिटेक्टर चलता है, 420 mA। हमें PLC ऑपरेट करने के लिए बेसिकली 420 mA हमें लगता है। अभी ये जीरो है तो उसका आउटपुट जो है 4 mA रहेगा, और 20 mA जब आएगा तब इसका आउटपुट 100% रहेगा। LEL मतलब लोअर एक्सप्लोजन लिमिट। अभी हम इसका ऑपरेटिंग देखेंगे। ये ऑपरेट करने के लिए हमें एक मैग्नेट लगेगा, कौन सा भी होगा तो भी चलेगा, पर बेसिकली ये डिटेक्टर के साथ गैस्ट्रॉन ही मैग्नेट देती है। ये देखो गैस्ट्रॉन का ही है और ये है। अभी हम ऑपरेटिंग में जाएंगे। ये फंक्शन स्विच है, ये रीसेट स्विच है, और ये अप है और ये डाउन है। इसमें 2 अलार्म है, अलार्म 1 और अलार्म 2। ओके, हम लोग अभी इसका ऑपरेटिंग चेक करेंगे। ये फंक्शन हम एक बार प्रेस करेंगे, फिर पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड और एक बार प्रेस करेंगे, तो इसका पासवर्ड जो है वो 00 है, पर 2 बार प्रेस करने के बाद हम प्रोग्राम में एंटर करेंगे। ये प्रोग्राम मोड है, ये सिस्टम मोड है, फिर 485 मॉडबस है, और मेंटेनेंस मोड है, और वर्जन मोड है, IR सेंसर डेटा है, टेस्ट मोड है, अलार्म प्रोग्राम है जो अलार्म सेट करते हैं 20-40, जो बेसिकली जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। फिर बाद में कैलिब्रेशन मोड आता है, ये मेन चीज़ है हमारे लिए। अभी हम आपको मैं बेसिकली सब मोड्स दिखाऊंगा। प्रोग्राम मोड है, अभी मैं फंक्शन की में गया, प्रोग्राम मोड है ये आप हमारा जो SC गैस डिटेक्टर, ओके, एंड डिफॉल्ट है ये। फिर बाद में SC है, ये परसेंटेज LEL हमने सेट किया है, यूनिट हमारा। फिर बाद में 100% डेसिबल पॉइंट है, ये इसका एडजस्टमेंट, मतलब 100% LEL का गैस है। अभी ये पासवर्ड, मतलब हमारा ये गैस सेट हो गया, हम ये मोड में इतने ही फंक्शन है। फिर बाद में जो सेकंड मोड आता है वो है आपका सिस्टम मोड। सिस्टम मोड में जाने के लिए इसका 05 पासवर्ड है, ओके। फंक्शन में जाएंगे तो ये एडजस्ट मोड, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सब बेसिकली कंपनी फैक्ट्री रिसेट रहता है। हमें कुछ इशू हो गया तो फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं हम लोग, यस नो करके। ये है यस, रिबूट करके आता है, जैसा हमारे PC में वगैरह मोबाइल में रहता है। सिस्टम एडवांस है, अच्छा डिटेक्टर है मेरे हिसाब से, जो मैं टेक्निकल पर्सन हूँ तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है। अब ये डिवाइस मोड में आपको हार्ट बोर्ड रहेगा, अंदर जो हार्ट कम्युनिकेशन है, ये डिटेक्टर हमें हार्ट कम्युनिकेशन में मिलता है, तो अभी चेक करके लिखा है, तो आप हार्ट कम्युनिकेटर कौन सा भी लगाएंगे, ABB का रहेगा या कौन सा भी, कौन सी कंपनी का रहेगा, तो वो चेक करेगा, ठीक है। अभी ये हम लोग ज़्यादा टाइम रुक गए इसलिए बाहर आ गए, हम लोग एक बार फिर से प्रोग्राम मोड में जाएंगे। प्रोग्राम मोड में गए हम लोग, अब प्रोग्राम मोड हो गया। अब ये कैलिब्रेशन मोड आ गया आपका। कैलिब्रेशन मोड में आप जाओगे, जब आपको जीरो और स्पैन पूछेगा आपका सॉफ्टवेयर, तो आप अप डाउन से सेट कर सकते हैं। अभी हमको जीरो करना है तो हम जीरो करेंगे, इधर यस और नो पूछेगा हमें, फिर हम
नो और यस करेंगे। यस किया हमने तो अभी गैस जीरो लेवल है, इधर कुछ भी रहेगा कभी हम जीरो मारेंगे तब 10 दिखाएगा, -10 दिखाएगा। अभी ये डिटेक्टर कैलिब्रेटेड है तो इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी हम लोग जीरो करेंगे इसको, फंक्शन की दबाएगा, अभी जीरो प्रोसेसिंग चालू है इसका, ठीक है। अभी ये जीरो कैलिब्रेशन ओके, मतलब उधर जीरो कुछ वैल्यूज आएगा वो जीरो सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा, ओके अभी जीरो ओके, ठीक है। हम लोग रीसेट करेंगे इसको, कैलिब्रेशन मोड में जाएंगे फिर से एक बार स्पैन करके। अब ये स्पैन करेंगे तब हमें स्पैन पूछेगा यस और नो, हम जब गैस डिटेक्टर कैलिब्रेशन करेंगे तब हमें अप डाउन की से यस और नो करना है। यस करेंगे तो देखो यस करेंगे, ठीक है यस कर किया हमने, अब यस किया फिर फंक्शन की दबाएगा तो ये टाइमर शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये हम जब गैस इधर से पास करेंगे, ये देखो ये इधर पॉइंट है गैस पास करने का, यहाँ गैस पास करेंगे तो गैस हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हम 50% एलियल का गैस पास करेंगे तो हमें 50% एलियल इधर मिलेगा। हम ये विद इन 10 सेकंड या 15 सेकंड में हो जाता है कैलिब्रेशन डिटेक्टर। हम अभी ये अभी गैस कुछ भी नहीं दे रहे हम लोग खाली प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे। तो ये अभी फंक्शन की दबाया तो हम जो गैस यूज कर रहे हैं कितना परसेंटेज का है, 40 है, 30 है, 60 है, तो वहाँ यहाँ हम सेट करेंगे। फिर बाद में जी स्पैन प्रोसेसिंग, अभी हमने गैस नहीं दिया तो इधर स्पैन फेल करके आएगा, ये जीरो फेल करके आया हमें, ठीक है। फिर हम रीसेट की में जाएंगे, हमारा हम बाहर जाएंगे तो डिटेक्टर हमारा ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है तो हमें ये जीरो दिखाएगा, ओके। फिर बाद में हम आपको मैं अलार्म मोड भी दिखाऊंगा, ठीक है। पासवर्ड गए आपको पता है पासवर्ड, फिर से एक बार प्रेस करना है। फिर बाद में हम अप की जाएंगे, अलार्म प्रोग्राम में जाएंगे फिर, ठीक है। अलार्म प्रोग्राम में आपको पूछा जाएगा आपको ऑटो रखना है या मैनुअल रखना है, पर हम ऑटो रखते हैं बेसिकली। तो ऑटो में जाएंगे फिर एनर्जाइज करना है या डी एनर्जाइज करना है, तो ये एनर्जाइज रहेगा, ठीक है। फिर बाद में आपका रिले, इसके अंदर 3 रिले है, मैं आपको बाद में फोटो शेयर करूँगा इस यही वीडियो में लास्ट में, ओके। अब ये इंक्रीज में, मतलब आपका जब अलार्म 1 आएगा तो आपका जो रीडिंग बढ़ेगा तब ये इंक्रीज रखेंगे हम लोग, तो बढ़ेगा तब अलार्म देगा, ठीक है। हम लोग अभी ज़्यादा टाइम रहेगा इसलिए डिटेक्टर प्रोग्राम से बाहर आ गया। फिर से एक बार हम लोग जाएंगे पासवर्ड में, पासवर्ड हो गया प्रोग्राम मोड, ओके अब की दबाएंगे हम, ओके प्रोग्राम मोड में अलार्म मोड में आएगा, ऑटो है, ये डी एनर्जाइज है, ओके इंक्रीज है, ये 20। अब बेसिकली हमारा फर्स्ट अलार्म 20 पे रहता है तो ये 20 पे सेट किया हुआ है। अब ये अलार्म डेड साइकल्स है, अलार्म ऑन रिले है, जो अंदर 3 रिले है, एक रिले है अलार्म 1, अलार्म 2 और थर्ड रिले जो है फॉल्ट का है, वो आपको रिसेट के बाजू में देखो दिख रहा है TRB, मतलब वो रिले है फॉल्ट का, ठीक है। अलार्म 2 में जाएंगे हम लोग और ये देखो 40 पे सेट किया हुआ है, ठीक है। ये भी वैसा ही है सेम ऑन ऑफ, ओके बस अलार्म मोड हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। गाइस ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में मुझे चैट करिए, और कुछ डाउट रहेगा गैस डिटेक्टर के बारे में तो क्वेश्चनिंग करिए, मैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ज़रूर दूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर। गाइस थैंक यू, मैं आपको अंदर का पार्ट सभी नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा, अंदर क्या क्या है इसके बारे में। मैंने अभी ऊपर का जो SS का ढक्कन है वो खोल दिया, आपको देखो जीरो दिख रहा है। अभी ये मैं कवर निकालूंगा डिटेक्टर का, ठीक है। आपके पास कभी मैग्नेट नहीं रहेगा तो पीछे स्विचेस भी दिया गया है, देखो ये जो है हमारा वो रिसेट फंक्शन स्विच है, ये जो है वो हमारा रिसेट स्विच है, ये जो है हमारा वो अप स्विच है, और ये जो है डाउन स्विच है। आप स्विचेस से भी ऑपरेट कर सकते हो, आपको एक एग्जांपल प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखो ये मेरा फिंगर है, वो मैं ये बटन प्रेस करूँगा, देखो आप एक बार प्रेस किया, दबा के रखा, ठीक है अभी छोड़ दिया, पासवर्ड पूछेगा, और एक बार गया तो मैं प्रोग्राम मोड में जाऊँगा, ये देखो अप और अप डाउन किया आपका भी ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं रिसेट से जाऊँगा और फिर से बाहर आ जाऊँगा, ठीक है ठीक है। आपका डिटेक्टर अंदर देखो गाइस, ये अंदर देखो, ये है 2 TB है इसका, ठीक है गाइस। ये 2 रिले है, रिले बोर्ड रिले है इसके अंदर, AB 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 रिले के कनेक्शन से ये, और ये हमारा 24 वोल्ट है, ये हमारा हार्ट कम्युनिकेटर है, और ये 3 रिले है इसमें, और ये हमारा केबल है इसका कम्युनिकेशन का, हमारा डिस्प्ले बोर्ड का, ठीक है। इसमें कुछ डाउट रहेगा आपको तो आप मेरे को मैसेज में लिख के दे सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो माय।
आपको कुछ भी डाउट रहेगा टेक्निकली तो आप मुझे पूछ सकते हो।